ये हम सर जी के साथ ही चल रहे हैं मेला देखने। क्या दिलवाओगे सर जी? सर जी से खिलौने की दुकान मत दिखाना। गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। कल आए थे हम मितोली, रात को थोड़ा लेट हो गए थे तो देरी से ही सोए थे। आप सुबह भी लेट उठे हैं और मैडम ने कर दी है कमरे की साफ सफाई। दिखाता हूँ मैं आपको जी, मैडम ने लगा दिए झाड़ू पोछा, डस्टिंग वस्टिंग सब कर दिया है एकदम बढ़िया से तरीके से। मैं तो नहा लिया सुबह उठ करके, और मैडम ने सुबह सुबह लाइट ने थोड़ा धोखा दे दिया है। कपड़े भी धोने के लिए मशीन लगा दी है। सबसे पहले मैडम जी ने काव्या को नहलाया, फिर मैं भी नहा लिया हूँ, और अब मैडम नहा रही है काव्या के साथ। खेलता हूँ के बालों में थोड़ा नारियल का तेल लगाया है, जिससे कि उसको नारियल का तेल ही सूट करता है इसके बालों में, उससे ठीक हो जाती है। यहाँ पर गई थी तो इसको नारियल का तेल नहीं लगाया था, क्योंकि वहाँ सर्दियाँ भी ज़्यादा थी, धूप भी नहीं मिली थी वहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि काम चल रहा था। आज ये नहा ली है और आज इसके नारियल का तेल लगा दिया है, और हल्की धूप भी है, घटा भी है, हालांकि यहाँ पर थोड़ी बारिश भी हुई है परसों। क्या बेटा आप क्या बना रही हो? खाना। खाना बना रही हो? किसके लिए बना रही हो? पापा के लिए। क्या बना रही हो खाने में? चालू वाला। क्या बनना है इस पे? गैस कहाँ है आपकी? गैस सिलेंडर चूल्हा दिखाओ। ये रहा भगवता, नहाने के बाद मुझे तो सुबह ही खाने की आदत है, और अब बज रहे हैं लगभग 11:30, क्योंकि लेट उठे थे थोड़ा, 10 बजे उठे थे सो करके। हमारी मैडम भी बहुत बिजी है, काम कर रही हैं। थोड़ा देखो, जब 15 दिन हो जाते हैं कमरा बंद होता है, थोड़ा सा काम बढ़ जाता है साफ सफाई का। और अब नहा करके अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है, यहाँ नींद पूरी हो गई है, लेकिन अब नहाने के बाद थोड़ी थोड़ी भूख लगी है, तो मैडम अब नहा करके आ जाए। पापा जी, मैं थोड़ा सा इसके साथ टाइम पास करता हूँ, क्योंकि ये भी मेरे लिए खाना बना रही है। क्या बना रही हो आप मेरे लिए? आलू चावल। बस ये मेरे लिए आलू चावल ही बनाती है, और चावल का नाम सुनकर आज मेरा चावल खाने का मन भी कर रहा है, क्योंकि चावल हमने बहुत दिनों से खाए नहीं है ठंड की वजह से। आलू मटर, अरे वाह मेरे फेवरेट हैं। तहरी बनवाएंगे। चलो मैडम जी, क्रीम है मेरे पास। मैडम नहा रही है शायद, मैं तो नहा करके हो गया हूँ बिल्कुल फ्री, एकदम साफ साफ सुथरा सुथरा, और बहुत दिनों बाद ऐसी धूप, इतनी फुर्सत में बैठा हूँ मैं आज यहाँ। फुर्सत है मैडम कह रही है, यहाँ आकर के फुर्सत है। मैं यहाँ फुर्सत में बैठा हूँ, मेरे घर काम चल रहा। हवा चल, और देखो हवा चल रही है, पेड़ कितने बाल धोए हैं मैडम ने, फायदा उठा लिया आज की छुट्टी का। ये करीना कपूर हो रही है, ये तो पूरी ये आपके ही कपड़े हैं सर जी। अरे मेरा क्या भैया, जो जिसने पहने वो उसके ही है। सर जी के कपड़ों का पीछा नहीं छोड़ती मैं। हाँ लगाया। तो अब बताओ खाने में क्या खाना है? पर नमकीन चावल बना लो मटर घेर के बढ़िया से। तो जाओ गाड़ी में सर लेके आओ। ला रहा हूँ, मैं लेके आई थी मटर आलू टमाटर प्याज, मैं घर से ही ले आई थी, भूख भी लग रही है। अरे तो घर को रख के भी तो ले जाती हो जब जाती हो इधर से। क्या कर रही हो बालों में? ठीक कर रहे तो ये इतना सारा वो हो रहा है यार। अरे नहीं बेटी, देख रहे हो रूसी हो रही है सिर में, सारे बाल खराब हो रहे। तो फ्रेंड्स मैं सोच रही थी कि ब्लॉगिंग बाद में शुरू करते हैं जब मेला चलेंगे, लेकिन सर जी ने पहले से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रखा है, और अभी हम खाना बना लें खा लें, तब तक मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे और फिर चलेंगे हम मेला। तो आज देखेंगे मितौली का मेला, क्योंकि सर जी फिर चले जाएंगे कल, तो आज सर जी के साथ चलते हैं मेला देखने, है ना काव्या? गाड़ी से बड़ी वाली गाड़ी से। गाड़ी से सर जी, इस वाले तेल में से तो अजीब सी स्मेल आ रही है मुझे, कोको प्लस, बहुत बुरी स्मेल है इसकी। तो सर जी ले आए घर से वाली सब्जी निकाल के, माल माल आ गया काव्या, भूख लग रही है ना? इसमें आटा आलू प्याज मटर टमाटर सब है। तो मैं भी आपका वेलकम कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अधूरा सा ही लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, और हम भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैडम जी ने बाल धो लिए, यहाँ तुम देखो, यहाँ तुम लोहरे बाल हैं, जैसे लाल मेहंदी लगा हुआ है, देखो। और सही टाइम पर धोए तुमने, धूप भी निकल ली है यहाँ। और मैंने इसलिए बाल नहीं धोए थे क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ जाके सफाई करनी है तो धूल मिट्टी बालों में जाएगी, तो फिर मैं तभी धो लूंगी। बड़ा अच्छा सा लग रहा है, बस अब भूख लग रही है, लेकिन पेट में अब बनाती हूँ कुछ, और सर जी की डिमांड है आज तहरी खाने की, तो तहरी बनाते हैं जी। मैडम जी ने कर दी है खाने की तैयारी, थोड़ी लेके आई, मम्मी कह रही और ले जा, तो लानी सारी मटर डालेंगे, तो लानी चाहिए थी, चलो बाजार से आएंगे ना, अच्छे से बनाएंगे बढ़िया। अरे आइसक्रीम खाई थी रात, सर जी ये बहुत गंदी हो गई है आपके लाड़ में, डालूंगी मैं आलू मटर अदरक प्याज टमाटर, अदरक को भी छील लेते हैं, फिर इसे मैं कद्दूकस करके डालूंगी इसमें। अच्छा तो फ्रेंड्स आज की व्लॉगिंग कर रहे हैं सर जी,
और सर जी ही पूरा व्लॉग कंप्लीट करेंगे आज, क्योंकि मैं तो बनाती नहीं, मुझे तो टाइम नहीं था, मैं तो मेला वाला ही बनाती। ठोकने की तैयारी चल रही है, वेरी गुड, जल्दी करो भाई, देखो भूख बिल्कुल अब बर्दाश्त हो रही है। मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं, बहुत तेज से भूख लग रही है, काव्या को भी लग रही है। हो गया, इस पे तेल करो। अभी कहूंगा, अभी कच्चा है, अगले 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। वेरी गुड, हम भी इसे खाने के लिए अभी से तैयार है, हम पे बर्दाश्त ना हो रही भूख अपनी, सुबह ही खा लेते हैं हम 8 बजे खाना। अरे आज बज रहे हैं 1 बज गया पूरा। अरे ना, चाय ना पी रहे अब ऐसी खा लेंगे। खाली सादा ला तो बना दोगी तुम इतनी जल्दी चाय? ना बनने की, अरे छोको छोको वो बाहर से पकड़ के लाइए कि दिखाओ। हाँ, क्या क्या देखूं? क्या दे तू अंदर? क्या है इसके अंदर? गाड़ी है यहाँ आपकी, लेकिन वो तो गंदी है। धो दो, इसको धो दो। देखो ये आ गई इसकी गाड़ी, और इसकी मम्मी इसको धुलेगी पहले। लो ये धूप में रखो जाके। चलो काम करवाओ इससे, इसे बिजी रखो, एक खाट पे रखो। हाँ हाँ, और ये धुलती मैडम जी ने इसकी गाड़ी, क्योंकि ये गाड़ी चलाने के लिए पूरा शोर मचा रही थी। अरे वो बेड सीट हैंगी, उनसे साफ कर दो, मेरी मानो तो। अरे वो बेड सीट है, उससे साफ कर दो। थोड़ा सुखाने तो दो। अब पढ़ाई हो गई, रख दूं बैग? है इसमें खंगाल हो गया। देखो वो गई अंदर गाड़ी लेकर, सूख गई थी ना। देखिए खाना तो हमारा बन गया, लेकिन मैडम जी का काम अभी खत्म नहीं हुआ। देखो मैडम जी लग रही हैं कपड़े धोने में, हमें और यहाँ भूखा मार रखा आज। मैडम जी का कपड़े भी धुल गए हैं आधे से ज्यादा है, और खाना बन गया है इधर गर्म गर्म, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, देखते हैं कैसी बनी है। और कॉफी भी बन गई है, अरे वाह, और कॉफी बना दी है मैंने साथ में, कॉफी के साथ खाना, फंटास्टिक, गर्मा गर्म। ये खड़े हो खाना बैठ गए, ये गिर दिया घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी। वाह, मुंह में पानी पानी आ रहा तब से ही, खुशबू खुशबू हो गई सारे कमरे में। पापा जी, मेरी बेटी के मुंह में भी पानी आ दिया। चलो तो आओ जल्दी, आप दोनों का खाना ये है। हाँ हाँ, कॉफी भी है, देखो आ जाओ। ये पापा की कॉफी और ये काव्या की कॉफी, ये काव्या की है और ये मम्मा की है। चम्मच है, देखो तो। अब इसे तो दोनों खाते हैं। चलो दोनों खाते हैं। अरे आओ ना। अरे आ रहा हूँ भाई, लो भाई मैं खिलाऊं, मैं खिलाऊंगा। वाह मजा आ रहा पूरा, खा के बताओ कैसे बने भाई? फंटास्टिक, लाजवाब। आज 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 देर से मिला खाना, क्योंकि हम आज थोड़ा देर से ही उठे थे, तो इसलिए देर हो गई है, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है, टेस्टी बहुत है, मजा आ गया मैडम जी। बहुत बार चावल खाए क्योंकि सबको खांसी जुखाम ऐसे ही सब हो रहा था, और ये कप हम पिछले मेले से लाए थे यहीं से कॉफी वाले, और देखो इसकी किनारी हट गई है, बाकी के काव्या ने तोड़ दिए, बस ये एक ही बचा है अब तो। ठीक है फ्रेंड्स, हम खा लेते हैं खाना, और उसके बाद थोड़े से कपड़े बचे हैं वो भी मैं सुखा दूंगी, और उसके बाद चलेंगे हम मेला। तो इस ब्लॉग को हम यहीं खत्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं मेला वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो कह रही है मैं जा रही हूँ गाड़ी चलाना, आइए देखा हमारे सब्जी बिल्कुल ओवर खा लिया, इतना स्वाद स्वाद में खूब खा लिया, अब तो ऐसा जी कर रहा भाई यही पसर जा बस, अब ना बस की हिलना डुलना भी, पेट भी ऐसा अब ना बस की अपना हाथ धोने भी। अरे सर जी हैंड वॉश करके ऊपर लेटो बिस्तर पे। सर जी चले जाएंगे, इसलिए हम सर जी के साथ ही चल रहे हैं मेला देखने, क्या दिलवाओगे सर जी? जो ले वो। सर जी इसे खिलौने की दुकान मत दिखाना।